अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश्वर जी का प्रणाम नमन। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपने मन की करने आया हूं। ये वीडियो आप अगर पूरा देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, हमारे सनातन धर्म के उपायों का सच क्या है, तंत्र का सच क्या है, इसके टोटकों और इसके मांत्रिक उपायों का सच क्या है। किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूंगा, किसी भी उपाय बताने वाले पे, ज्योतिषी पे, किसी यूट्यूबर पे, किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे मतलब नहीं किसी से। मैं सिर्फ अपनी अल्पमति से जो मेरी समझ में आता है वो बात करूंगा। अब तक आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सुनिए, मुझे कई बार ये प्रश्न मेरे सामने आता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी जो हम चारों ओर देखते हैं, किसी साधु के खिलाफ कुछ किसी ने कह दिया, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कुछ हो गया, किसी कोई अपना एजेंडा लेके चल रहा है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, तो उन्होंने उनके ऊपर काफी कुछ चीजें हुई, अभी बहस मुबाही से हुए दुनिया भर का। उससे पहले बहुत सारे साधु संतों और इनसे पहले बहुत सारे ऐसे ऐसे ढोंगी पाखंडी भी आए जिनके ऊपर काफी सारा, तो कुल मिला के बहुत बड़ा नुकताचीनी हुआ, सनातन धर्म का बड़ा बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ, घाटा हुआ। इस सब पे मेरा स्टैंड क्या है, मैं ऐसी वीडियोस क्यों नहीं बनाता जो इन पे टिप्पणी करें या सच बताएं ऐसा वैसा। देखिए, मेरा किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मुझे नहीं पता कि कौन क्या कहता है, मैं किसी के वीडियोज देखता भी नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है भी नहीं। लेकिन YouTube पे जिस तरह के इंटरनेट पे जिस तरीके से माहौल नजर आता है ना, वातावरण, तो वो दिखाई देता है। अचानक सामने आ जाती चीजें तो बड़ा अचरज होता है, दिन में बड़ा दुख होता है, मन में एक उदासी आती है कि सनातन धर्म के लिए किस प्रकार से लोग बाग जो है इस धर्म भीरुता में लोग बड़े हुए हैं हम लोग, कि किसी के भी पीछे आंख मूंद कर चल पड़ते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के जो मठाधीश हैं, पीठाधीश हैं धीरेन्द्र कृष्ण जी, उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि उनके लिए तो मैंने वीडियो बनाया है, अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा। असल मूल बात यह है कि मेरा विश्वास किस पर है, जो मुझे पसंद करने वाले लोग हैं, जो ये समझते हैं कि हाँ इस देह में इस मस्तिष्क के अंदर कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं। उसके आधार पर आप अपना तय करें कि आपको वास्तव में कहां जाना है, किसके पीछे जाना है, किसके पीछे नहीं जाना है। तो मेरा स्टैंड क्या, एक्चुअली मुझे मेरा किस किन चीजों पर मेरा विश्वास है। देखिए, सनातन धर्म में मेरा विश्वास है, मंत्रों में विश्वास है, तंत्र पर विश्वास है, अघोर तंत्र पर विश्वास है, दक्षिण मार्ग पर विश्वास है, वाम मार्ग पर विश्वास है, शाबर पर विश्वास है, टोने टोटके इन पर भी विश्वास है। आपने ठीक सुना, अंत में मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। टोने टोटके सब पर विश्वास है, मूर्ति पूजा पर गहरा विश्वास है, योग हमारा अध्यात्म है, हमारा हमारी दार्शनिक विद्या, हमारा दर्शन, आयुर्वेद, इन सब पे घनघोर विश्वास है। ठीक है, हमारे देवताओं पर विश्वास है, कोई कहता है 33 है, कोई कहता है 33 करोड़ है, वो जितने भी, उस पर भी फिर एक वीडियो बनाऊंगा, मेरा अपना एक स्टैंड है उसको लेकर भी। ठीक है, ऐसा हवाबाजी नहीं है कि मैंने छोड़ दिया यहां से विषय, नहीं छोड़ूंगा नहीं। कितने देवता है उस पर, जितने हैं उन सब पर विश्वास है। मेरा सनातन धर्म की हर एक उस चीज पर विश्वास है जो या तो शास्त्र सम्मत हो, या गुरुमुख से सुनी गई हो, या अपने अनुभव से देखी गई हो, हर उस चीज पर विश्वास है। सनातन धर्म की भी हो सकती है, चाहे किसी और धर्म की भी हो सकती है, चाहे कुछ भी हो सकता है, जो या तो शास्त्र कहता हो, शास्त्र का मतलब जो हमारे ऋषि कहकर गए हैं, ठीक है वो शास्त्र, या फिर गुरु के मुख से जो मैंने सुनी हो, जो गुरु के अनुभव में आई और हमारे पास आई हो वो, या फिर मैंने अपने अनुभव में देखा हो, करके सामने होता हुआ मैंने देख लिया, उन चीजों पर मेरा विश्वास है। अब आते हैं, मेरा किन चीजों पर विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास नहीं है ऐसे टोने टोटके बताने वालों पर जो अचानक कहीं से उठ के कुछ भी उठपटांग सा कुछ बता देंगे। ये 5-7-10 नंबर कुछ लिख लो, आपकी जेब में रख लो और आपके पास लक्ष्मी का धन का भंडार फूट पड़ेगा, ऐसा नहीं होता।
लौंग इलायची काली मिर्च ऐसा ऐसा हूं हूं करके कुछ फेंक दो और वो आपके बिस्तर पे आ जाएगी। ये ढोंग है, ये पाखंड है, आपको पागल बनाने की विद्या है, आपसे पैसा हटाने की विद्या है। कोई बोलता है कि हम तो निशुल्क देखते हैं, निशुल्क कोई नहीं देखता, सब पागल बनाने की बात है। कोई भी व्यक्ति निशुल्क नहीं देखता है, जो देखता है उन पर मेरा विश्वास है। और ऐसा नहीं कि जो पैसा ले रहे हैं उनके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरा भी चार्जेस है, कॉलिंग का शुल्क मैं भी लेता हूं, अपने समय का शुल्क मैं भी लेता हूं, क्योंकि आपको देना भी चाहिए, डॉक्टर को अपनी फीस देनी पड़ती है। आप आ रहे हैं कि निःशुल्क नहीं, निःशुल्क कोई नहीं देखता, पहला तो ये हो गया। ऐसे ढोंगियों और पाखंडियों से बच के रहो जिन पर मेरा विश्वास नहीं है, जो ऊट पटांग उपाय बताते हैं, टोने टोटके बताते हैं और इसी जाल में आपको फंसा के रखते हैं। एवरी टाइम आपको ये बोलते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, आपने उनको थोड़ा सा हिंट दिया कि गुरुजी मेरा सर चकराता है, मुझे नींद नहीं आती, रात भर मेरे साथ ये हो रहा है, किसी मुझे लगता है किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया, है ना। आपने उसको थोड़ा सा भी कहीं से भी कुछ हिंट दे दिया, वो बोलेगा कि कर दिया। अब आपको इसके निकलने के लिए, अब तो ये तो बहुत झंझट वाली बात हो गई, ये तो बहुत बड़ा उपद्रव हो गया आपके साथ, ये करिए, ये हो गया, वो हो गया, इसके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इतने प्यार से, इतने तरीके से लपेटा जाएगा आपको। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं मेरे, जिन्होंने 10-10 लाख रुपया फूंक दिया पंडितों के, एस्ट्रोलॉजर्स के नाम पे। 10 लाख रुपये किसको बोलते हैं? एक आम आदमी, जो मिडिल क्लास आदमी बेचारा अपना जीवन निकाल ले 10 लाख रुपये में। ऐसी पंडितों और बाबाओं से भी मैं कहना चाहूंगा, भाई थोड़ा शर्म करो, भगवान से डरो यार, ये क्या लगा रखा है। ऐसे ऐसे लाल किताब के टोटके, ऐसे ऐसे लाल किताब के उपाय जो लाखों में बिक रहे हैं, हजारों में बिक रहे हैं, पाखंड है। इनसे थोड़ा देखिए, सुनिए, मैं इनका पूरी तरह से इनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो भी टोने हैं, टोटके हैं, कुछ हद तक असर उनके हो सकते हैं। वो आपकी कुंडली पे, आपके कर्मों पे, आपकी नियत पे डिपेंड करते हैं सारे उपाय। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उपाय कर लिया और वो आपको लग गया जाके, और आपका काम रातों रात, आपकी दुनिया चेंज हो गई, अप्सरा आपकी जिंदगी में आ गई। अरे थोड़ा तो अपना मति विवेक लगाओ भाई, थोड़ा तो अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करो। ऐसा कागज पे नाम लिख देने से आपके आपके वशीकरण में कोई आ जाएगा क्या? आपके अपने कर्म क्या है, आपका तप का बल क्या है, आपकी नियत क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? आपकी कुंडली में ऐसे चीजों के होने के योग है कि नहीं है? सामने वाले का तप कितना है? सामने वाले का और आपसे भयंकर तप हुआ, कैसे आएगा? उसका ऑरा और मजबूत हुआ, उसके वाइब्रेशन, उसकी तरंगें और ज्यादा डेंस हुई, आपसे अधिक हुई, तो कैसे आएगा? नहीं आ सकता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटे, मेरा विश्वास किन में नहीं है, छोटे छोटे उपाय जो लोगों को, ऐसे लोगों में मेरा विश्वास नहीं है जो लोगों को ये बोलते हैं कि एक रात में कुछ हो जाएगा, 11 दिन में हो जाएगा, चलो 15 दिन में हो जाएगा, नहीं होता। और जिनके साथ जो ऐसे चक्करों में पड़े हैं और जिनका नहीं हुआ, वो कमेंट बॉक्स में लिखो, इस कमेंट बॉक्स में बताओ, तो जिसका हुआ हो वो भी बताओ कि मैंने 11 दिन ये साधना कर ली और वास्तव में अप्सरा मेरे पलंग पे आ गई, या मैंने एक लौंग फेंका और उन गुरुजी का फला गुरुजी का ये उपाय किया और मेरे वशीकरण में आ गई अमुक कन्या या अमुक व्यक्ति। अरे भाई किसी के साथ हुआ हो तो बताओ ना, या कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव तो लिखते ही हो ना, लिखो ना। ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास नहीं करता, होती है चीजें, होती है तंत्र मंत्र टोने टोटके वाम मार्ग दक्षिण मार्ग साधना सब कुछ होता है, मैं मानता हूं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता जितना आपको बता दिया जाता है कि इतनी आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा। आप धन से जाओगे, धर्म से जाओगे, स्पष्ट कर दूं, इतनी तांत्रिक मंत्रिक साधनाओं की बातें करता हूं, लोग गुरुजी बोलते हैं, मैं भी अपने आप को इसी तरह से यहां प्रेजेंट करता हूं कि लोग ताकि सुन लें, वास्तव में मैं गृहस्थ व्यक्ति हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो मेरा तो सिंपल सी बात है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई ये धंधा नहीं है भैया। हाँ,
बचपन से बहुत कम उम्र से मैं इस परंपरा में पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। इस परंपरा को मैं समझता हूँ, मंत्रों में बड़ा हुआ हूँ। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण मैंने अपने घर में, बाद में फिर अपने गुरु के सानिध्य में गया तो मैंने ये देखा है। तो इसी माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो एक गृहस्थी से थोड़ा सा ज्यादा मैं एक संत सन्यासी के जीवन में जीना पसंद करता हूँ, ऐसा समझ। गृहस्थ होते हुए मैं उसी उन नियमों का पालन करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। इंग्लिश का टीचर हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं बच्चों को, संस्कृत घर से मिली। ये अपने बारे में देखिए, मैं कोई आत्मभूत से वो आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, सुनिए। मेरा सिर्फ कहना ये है कि लॉजिकल होके, रैशनल होके सोचिए। 5, 7, 10 डिजिट कुछ लिख ली कागज के ऊपर, उसको जेब में लिख लिया, उसको कलाई पे लिख दिया और सोच रहे कि आज लक्ष्मी आएगी, आज लॉटरी खुलेगी, कहीं लॉटरी में कुछ अपना पैसा बर्बाद मत कर लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। तरंगे होती हैं, बहुत सारी चीजें, उसका ऑरा होता है, हर चीज होती है। लेकिन अगर ऐसा ही होना होता, आप सोचिए, थोड़ा सा रेशनल होके सोचिए। कितने सारे वीडियोज आपको पता है, लगभग लगभग 80 करोड़ वीडियोज, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, 80 करोड़ वीडियोज यूट्यूब पे एक दिन के अपलोड होते हैं, एक दिन में पूरी दुनिया में 80 करोड़ वीडियोज किसको बोलते हैं? उनमें से एस्ट्रोलॉजी के कितने वीडियो होंगे, जैसे तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले ढोंगियों के कितने वीडियो होंगे, कितने लोग देख रहे होंगे, लाखों की भीड़ उनके पीछे है। कितने लोग अरबपति करोड़पति बने, कितने लोगों को अपनी 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 पसंद की कन्या मिल गई, अपने पसंद का लड़का मिल गया और उसके साथ है। कमेंट में बताओ भाई, मैं तो बोलता हूं, निवेदन करता हूं, कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, निवेदन करता हूं। वो तो अभी अपना अनुभव बताइए, नहीं हुआ हो तो भी बताइए, ताकि शुद्ध सनातन आगे बढ़े। वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है उसको लेकर आगे बढ़ो, अपनी सात्विकता से आगे बढ़ो, अपने अपनी अपनी श्रद्धा अपने ईश्वर के प्रति, अपने सत्य के प्रति रखकर आगे बढ़ोगे तो उद्धार होगा। ये जो 2 दिन 3 दिन के 11 दिन के उपाय हैं, या इलॉजिकल जो चीजें हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिसको जिसके बारे में पता भी नहीं कि ये मंत्र कहां से आए, हमें नहीं पता। शाबर के नाम पे कुछ भी चेप देंगे लोग, ये शाबर है कर लो, कहां से उसका सोर्स ढूंढने पता चलो कि नहीं पता। आधी चीजें इधर से इंटरनेट से उठे, इधर लाके पटक दी, इधर से उठे, इधर से लाके पटक दी। उपाय मैं भी बताता हूं, टोने टोटके मंत्र तंत्र ये सब मैं भी बताता हूं, लेकिन मैं सिर्फ वही उपाय बताऊंगा जिसको देखकर मैं आश्वस्त हो चुका हूं कि हाँ ये असर कर सकता है या करेगा, या मैंने होते हुए देखा है, गुरुमुख से सुना होगा, या मैंने अपने सामने होते हुए देखा होगा, या फिर लॉजिकली जिसके जिसके जब भी अभी मैंने पिछले वीडियो में रामचरितमानस की चौपाई का एक उपाय बताया था। तो रामचरितमानस एक सिद्ध ग्रंथ है, उसकी चौपाइयों को आप इस तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। उसके पीछे भाव ये कोई इलॉजिकल चीज नहीं है। श्री रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती ऐसे कहानियां हैं ना, कथाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं। उसमें माँ दुर्गा माँ की कहानी है और इसमें जो है श्री रामचंद्र जी की कहानी, कथाएं हैं। ये दोनों कहानियां ऐसी हैं पूरे सनातन शास्त्र के अंदर, जिसके मंत्रों को मंत्र की उपाधि प्राप्त है, जिसकी चौपाइयों को, जिसकी पंक्तियों को मंत्रों की उपाधि प्राप्त है। समझे आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि श्री रामचरितमानस की कोई भी चौपाई को एज ए मंत्र आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपना मंगल करना चाहते हैं, अपने जीवन में सारे अमंगलों को हटाना चाहते हैं, तो ये चौपाई आप जीवन भर रटिए, इसका प्रयोग कीजिए, संपुट लगाइए, हनुमान चालीसा में प्रयोग कीजिए, श्री रामचरितमानस में प्रयोग कीजिए, नहीं तो 108 इसका जाप कीजिए, मंगल भवन मंगल हारी द्रवाऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ के आंगन में खेलने वाले हे भगवान, मुझ पर द्रवित होइए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे मेरा मंगल कीजिए, मेरे अमंगलों को हटाइए, ये इसका अर्थ है। इसको मंत्र की उपाधि प्राप्त है, मंत्र के तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ये सिद्ध बात है, ये प्रामाणिक बात है। कहीं से कुछ भी उठा लिया, कुछ भी कर लिया, ये नहीं, उसका सोर्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। अरे एक सामान्य सामान्य व्यक्ति भी देखकर समझ सकता है कि कौन ढोंगी और कौन सही व्यक्ति है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा सबको प्रणाम है, हर ढोंगी को प्रणाम है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है आम जनता से कि भाई इतना इतना अपने अपने थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, इतना पागल मत बनो।
देखने से पता लग सकता है कि कौन किसके उपाय में, इसके पीछे लॉजिकली कितना तंत्र होगा कितना नहीं होगा, समझ में आती सारी चीजें। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि सारे मुझे ही फॉलो कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कभी किसी चीज का फर्क नहीं पड़ा। मेरे मेरे गवर्नमेंट सैलरी आती है मेरे घर के अंदर, उससे मेरा गुजारा चल रहा है, बीवी बच्चे मेरे पल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारे सनातन का अगर यही हाल रहा तो मैं आपको वचन देकर बताता हूं आने वाले 10-15 सालों में ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, सनातन का पूरा रूप ही विकृत हो जाएगा, चीजें सब हट जाएंगी, ये सब उठपटांग चीजें आ जाएंगी और फिर इसी को लॉजिकली वामपंथी और ये लोग इसी को लॉजिकली आपके ऊपर प्रहार कर करके बताएंगे ये देखो ये ढोंग होता है इनके अंदर। आप समझिए मेरी बात को, मैं कहां पहुंचना चाह रहा हूं। शुद्ध तप कीजिए, शुद्ध तप, सत्य पर चलिए, व्रतों की हमारे अंदर फिलोसफी है, हमारे अंदर थ्योरी, व्रत कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, उनको लड्डू गोपाल को लड्डू चढ़ाइए। अब ये सोचेंगे कि लड्डू गोपाल में वो मूर्ति थोड़ी खाएगी, उसके पीछे के भाव है, ये हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कर लिया, हमारे ऋषि मुनि ने यही करके गए हैं, माँ सीता ने गौरी की उपासना की तब जाके श्री राम मिले। तो ये तो परंपरा है हमारे यहाँ ऋषियों की, गुरुओं की पूजने की, मूर्तियों को पूजने की परंपरा है, पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ पूजिए, दुनिया जो कहे कहती रहे। आपको जिस मंदिर में अच्छा लगता है उस मंदिर में जाइए, सच बोलकर संतोष फील होता है ना, सच बोलिए, कितना भी बुरा हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सच बोलिए। छोटे 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 चक्करों में मत पड़िए, ये इनसे आपका नुकसान होगा, आपका समय व्यर्थ होगा, कुछ नहीं होगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बहुत अनमोल समय है निकल रहा है, अभी से किसी मंत्र उपासना में, अभी से किसी 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 गुरुदेव की शरण में चले जाइए, वो आपको जो बताएं उस साधना मार्ग में लगिए, भगवान को सर्वस्व मानकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए और अपनी एक निष्ठा से अपनी तपस्या करते रहिए, आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जो कोई टोना टोटका नहीं दे सकता वो ये साधना आपको देगी, गारंटीड बताता हूं देगी। नहीं तो ये आप समय व्यर्थ कर रहे हैं इधर उधर की चीजों में। हाँ कोई विशेष अपने ऊपर कोई विशेष आपदा आ गई और उसके लिए विशेष कोई अनुष्ठान करवाया गया पंडितों के द्वारा विद्वानों के द्वारा या आपने स्वयं कर किया कोई प्रयोग, तो उस समय के लिए तथाकथित समय के लिए उस विशेष समय विशेष के लिए आप जो भी प्रयोग करते हैं वो ठीक है, वहां तक ठीक है, लग जाए तो बहुत अच्छा, मैं तो डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि बाकी आपको लंबे समय के लिए जीवन में आनंद लेना है तो लंबे समय की तपस्या करनी पड़ेगी। 2 दिन 5 दिन 11 दिन में कुछ नहीं होने वाला, 2 दिन 5 दिन 11 दिन में, 2 दिन 5 दिन 11 दिन की आपको मानसिक शांति मिलेगी, हाँ हाँ ये मैं कर रहा हूं तो ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मीराबाई ने रैदास ने सुदामा ने इन्होंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, फिर तो पूरा पूरा जीवन लगा दिया अपना यार, पूरा पूरा जीवन इन लोगों ने भक्ति में खर्च कर दिया। कबीर ने, कबीर भी भक्त थे, निर्गुण के थे, भक्त थे, मैं सच बता रहा हूं, ये फिलोसफी समझने वाले समझेंगे, कबीर अपने ईश्वर के भक्त थे, इन्होंने पूरा जीवन उसमें लगा दिया उस तत्व को पाने के लिए। हम लगे पड़े हैं काले मिर्च में, लौंग में, इलायची में, उसको बिस्तर पे बुलाने में, उसको बिस्तर से हटाने में, उसमें झगड़ा हो जाए, उसमें ये हो जाए, अरे और आप और ऐसे लोगों को पागल बनाने के लिए तो पूरी पूरी फौज खड़ी है यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर पागल बनाने वाली। अभी भी समय है, सुधर जाओ, सत्य के रास्ते पे चलो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने जीवन को सुधारो, अपने घर में शांति रह सके ऐसा आचरण करो। आपका आचरण गलत है, हमारे आचरण से हम दुखी हैं और भागते पंडितों के पास। हमें भी पता है कि हमारी किस बात से सामने वाले का दिल दुखा, हमारे अंदर क्या कमी है, हमें पता है कि हमारी वाणी ठीक नहीं है, हमें भी जब गुस्सा आता है तो हम ऐसी कोई बात कह देते हैं जिससे झगड़ा हो जाता है, फिर झगड़ा हो गया तो अब भागते पंडित जी के पास कि गुरु जी मेरे साथ ये हो गया,
मेरे पति या मेरी पत्नी जो है मेरे पति, अरे भैया तुमने क्या किया, झगड़ा क्यों बढ़ा, अब उसमें मैं क्या उपाय बताऊं। अपने आप पे काबू करो, संयमित रहो। रिश्ते निभाने के लिए रिश्तों को जो है समझना पड़ता है, एक सम्मान का भाव रखो। ये नहीं कि मैं आदमी हूं तो मेरी ही चलेगी, औरत तो पांव की जूती है, गलत बात। ऐसा सनातन में नहीं लिखा है। बराबर का दर्जा है पति पत्नी दोनों को, औरत और आदमी दोनों को। औरत ये ना सोचे कि मैं अबला हूं तो अबला के नाम पे मैं कुछ भी मतलब आदमी का तबला बजाऊंगी, नहीं, दुनिया मेरी तरफ है, कानून मेरी तरफ है। गृहिणी को कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ को कैसे आश्रम पालन करना चाहिए, मनुस्मृति पड़ी है, मनुस्मृति का विरोध हो रहा है चारों तरफ, सारा फेक विरोध है। जिसने उस पर फिर एक से मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर पूरा सा, उसमें क्या लिखा और क्या नहीं, किन बातों पर उसका विरोध होता है, किन बातों पर क्या चक्कर है, पढ़ी नहीं किसी ने, लगे पड़े हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने हमारे शास्त्र पढ़े, ये बताइए। ये जो जवान युवा जो भाग रहे हैं कंटेंट के पीछे, इतना जो विरोध कर देते हैं, चलो वामपंथियों को बोल दो, वामपंथी जिन्होंने पढ़ा होगा बहुत पहले, कुछ पढ़ा होगा तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, जिन्हें पता ही नहीं कि सनातन के शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है, एक व्हाट्सएप की पोस्ट देके, फेसबुक पोस्ट देके उसका विरोध करने झंडा लेके उतर पड़ते हो, अरे ना समझो मूर्खों, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया और तुम उसी को लेके चल रहे हो, उसी का झंडा उठा के चल रहे हो। आज के यूथ से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि दिन में आधा घंटा पौना घंटा हमारे शास्त्र को उठाकर देखो भाई, रामायण है, महाभारत है, गीता है, हमारे पुराण है, 108 उपनिषद हैं, बहुत आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएंगे, अमेजोन पे इधर उधर मिल जाएंगे, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। समझना शुरू करो, देखो दर्शन कहाँ तक है, मनुस्मृति मंगा के पढ़ो, पूरी पढ़ो क्या लिखा हुआ है उसमें, तब जाके विरोध करो ये भाई। पता नहीं कूल बनना है क्या, कूल डूड बनने में लगे पड़े, समझ नहीं आता। करोड़ों की गाड़ी और करोड़ों के महल बना भी लोगे तब भी आप अज्ञानी बन के रहोगे, तो आपकी पीढ़ियां उस करोड़ों का जो है उसका उपभोग नहीं कर पाएंगी। लिखवा लो, ये चमक दमक के पीछे भागना बंद करो, मानसिक शांति के पीछे भागो, वही सब कुछ है। जिस चीज में मानसिक शांति मिलती हो वो करो, कोई उपाय करके, किसी को, किसी शत्रु को परास्त करके, किसी को वशीकरण करके, किसी का बुरा करके, आप अपने मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लिख लीजिए, आप अपने मन की अशांति को, अशांति के लिए उपाय कर रहे हैं, अपने मन की अशांति को अपने निमंत्रण दे रहे हैं, तो थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, मूल तत्व को समझिए, ईश्वर कौन है, ईश्वर की तपस्या, वो चाहे द्वैत हो अद्वैत हो, सगुण मानते हो निर्गुण मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चीज को पकड़ के रखिए, अपनी नीति नियम से चलने का प्रयास कीजिए और इधर ये ढोंग पाखंड को बंद कीजिए। मैं फिर बताता हूं ऐसे उपाय, टोने टोटके, तंत्र मंत्र मैं भी अपने वीडियोज में बताता हूं, लेकिन लेकिन सारे अपने सिद्धि के अनुसार बताऊंगा, अपने देखे हुए अनुसार बताऊंगा, जिनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा वो ही बताऊंगा। तो निश्चिंत होकर आप आगे बढ़ सकते हैं हमारे साथ, आपके ऊपर साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। बाकी जितने पाखंडियों के जितने वीडियोस हैं उनमें आपको साइड इफेक्ट्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, कंड पिशाची भी कर लो, ये पलीता जगा दो, वो कर लो, वो, अरे क्या है, जीवन नष्ट हो जाएगा तुम्हारा इन साधनाओं में पड़ के। श्री राम जय राम बोलने में दिक्कत है, हनुमान जी ये मंत्र जपते हैं जब ध्यान में होते हैं, भगवान श्री राम का, हनुमान जी का सबसे प्रिय मंत्र है श्री राम जय राम, ये मंत्र जप के अष्ट सिद्धि नौ निधि उनको प्राप्त हो गई, और हम पढ़े हैं किसी भयंकर कर्ण पिशाचिनी में, यक्षिणी में, अरे हालत देखो अपनी, कामी कुचारी है, मिथ्याभाषी व्यभिचारी निंदक स्वार्थी द्वेषी ईर्ष्यालु,
और भी कुछ हो तो आप सर्च कर लेना, मैं तो कड़वा बोलता हूँ, किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा मांगता हूँ, लेकिन यही तरीका है। अभी नहीं समझे तो सनातन का बहुत बड़ा हान नुकसान होने वाला है आगे जाके, दुनिया बहुत आगे जा रही है, तो इसको साथ लेके चलोगे। जिन देशों ने अपनी संस्कृतियां बचा के रखी, वास्तविक संस्कृतियां बचा के रखी, वही देश आगे निकल गए। जिन्होंने अपनी संस्कृतियों को भुला दिया, अपने सामाजिक समरसता को, अपने सामाजिक गठबंधन को भुला दिया, वो खत्म हो गए धीरे धीरे। चलिए, काफी कुछ मेरे मन में था तो मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि मैं क्या समझता हूँ क्या नहीं समझता हूँ। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हमारे संस्कार, हमारे हमारे बड़े बुजुर्गों की शिक्षाएं, नीति नियम पर चलने की कथाएं, हमारे हमारा इतिहास, इसको ठीक ठीक हमारा जो सही सही इतिहास है, हमारे ग्रंथ, हमारी चीजें, इन चीजों पर विश्वास रखिए, अपने तपोबल पर विश्वास रखिए, अपनी तपस्या पर विश्वास रखिए, अपने गुरुजन पर, अपने माता पिता पर, अपने बड़े बुजुर्गों पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, सत्य पर विश्वास रखिए, अपने संस्कारों पर विश्वास रखिए, इसी मार्ग पर आगे बढ़िए, ईश्वर के निरंतर नाम लेते रहिए, भजन मार्ग करते रहिए। हाँ, भजन मार्ग, कितनी तो बढ़िया यह बात याद है मुझे। अभी मैं एक नाम ऐसा लेता हूं आपके सामने, जिनकी शरण में जाएंगे तो आपका लाभ ही लाभ होगा, जो सच्चे हैं, निष्कपट हैं, निश्चल, वो वृंदावन वृंदावन बिहारी जो हैं, राधा राधा जी के भक्त हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन वाले, वो पीले वस्त्रों में जो होते हैं, है ना, राधा नामी भक्त हैं, संत हैं, सुनिए उनको क्या बात करते हैं। आ हा, ये कितने ढोंगी पाखंड, इनके बाद में देखो आपकी ऐसे संत आए हैं, उनके चरण कभी भगवान करे उनके चरण धोने का अवसर हमें मिल जाए। ये होते हैं संत, उनके मार्ग पर आगे बढ़िए। हाँ, कोई उसके अलावा कोई प्रैक्टिकल चीजें, कोई भौतिक परेशानी आ रही ही रही हो तो ठीक है, कुछ लोग हम जैसे भी होंगे इधर उधर, थोड़ा बहुत किसी का उद्धार हो गया हो तो कमेंट कीजिए हमारे यहाँ, तो बाकी ऐसे संतों को मेरा प्रणाम है, नमन है, बार बार नमन है, जिनके चरणों की धूल को मैं सिर पर लगाऊं तो भी मेरा ये जीवन धन्य हो जाए। बाकी तो जो बात करने से समझ में आ जाएगा कि कौन असली है कौन नकली है, इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए ठीक है, फिलहाल हम तो चाहते हैं कि निष्काम निस्वार्थ आपकी सेवा की जाए, जितना हो सके लाभ लिया जाए, फोन करें तो अच्छा, बहुत प्रॉब्लम हो गई हो, संकट बढ़ गया हो हद से ज्यादा तो फोन करें तो ठीक बात है, थोड़ा मेरी वाणी से लोगों को फर्क पड़ता है, इसलिए लोग आवाज सुनना चाहते हैं, इसलिए फोन करते हैं। बाकी तो 450 वीडियोस डाल रखे हैं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष उपाय, टोने टोट के, साधनाओं से संबंधित, आपकी समस्याओं से संबंधित, तो इनमें से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिल जाएगा हमारा चैनल अगर टटोलेंगे। 450 वीडियो इस अमोघ शक्ति चैनल पर मैंने डाल रखे हैं, फोन करने की आवश्यकता नहीं है, आपके काम की चीज मिल जाएगी कुछ ना कुछ इसमें। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश शुद्धि आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वबंधु सुखने, किसी को हमारी बात बुरी लगी हो तो फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।